जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपको हमारे खेत में लेकर आई हूँ। और यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ, ये वही चीकू का बगीचा है जिसके हमने हार्वेस्टिंग किए थे। और अभी देखो, फिर से बहुत अच्छे छोटे छोटे जो चीकू लग गए उसको, ये देखो करीब से ऐसे छोटे छोटे। इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर है, ये देखो कितने मतलब ब्यूटीफुल है। छोटे से बिल्कुल भी लगते है क्या, आपने कभी देखा है चीकू का फ्लावर कितना सुंदर है? देखो, है ना कुदरत का करिश्मा, बहुत बहुत सुंदर बना है सबको और साथ में हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी सुंदरता दे दी है। और ये देख रहे इधर, ये हमारे देवर जी का खेत है और ये जिंजर लगाया हुआ है तो बहुत बढ़िया तरीके से लगाए इसे, तो अभी बहुत अच्छा आएगा ये। और ये ठिबक सिंचन पे लगाया है और बेड़े पद्धति से, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा बहुत जल्दी। तो अभी हमारे खेत की ओर निकलते हैं। हाय, चलो जल्दी जल्दी। ये सब चीज आप लोगों को पता है किस किस के, हम लोग इसको अंबाड़ा बोलते हैं। इसकी ऐसी थोड़ी सी खट्टी मीठी खट्टी होती है ये सब्जी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जाते जाते सब्जी भी ले लेते हैं। और इतनी फ्रेश, और हमारे यहाँ पे हर किसान के घर पे ये दो चार पौधे लगाते हैं ताकि साल। और आज यहाँ पर मक्का के खेत में बैलों से मशागत की जा रही है और ये तीन बैल लगाए यहाँ पे और तीन लोग ने पकड़े और बैल प्लस दो ही है, तो इसी से आज पूरा खेत करना है कंप्लीट। और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि, और इसे करने से ये जब खुरपनी होती है तो वो भी बहुत आसानी से की जा सकती है। और उसके बाद जो अनचाही घास है वो भी देखो कैसे निकल रही है अपने आप, तो वो भी कम हो जाती है, बस बीच में खुरपा लगाना का बाकी रह जाता है। और मक्का भी बहुत छोटी छोटी है क्योंकि अभी लगाई हुई है तो कुछ ही दिनों है। और यहाँ पे उसे रोक कर जो मिट्टी और ये लगा हुआ है उसे साफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से आज ये पूरे खेत करने, और जो बीच में होता है उसे बहुत आसानी होती है क्योंकि साइड में से वो बैलेंस करना पड़ता है। इस ये चलाना खाई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत जान हाथ मुट्ठी में रख के, क्योंकि ये जो फसल है वो ख़राब ना हो जाए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बैल और वो जो रखे हैं ना इसके ऊपर, अभी यही करेंगे दिन भर। मैंने भी कोशिश किया, अच्छा आया मुझे भी, आप लोगों ने तो देखा कैसा आया, ये भी हमारी, लेकिन पसीना पसीना छूट गए और धाप भी लग गई। तो यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टा और फेसबुक पे राधा कृष्ण किचन के नाम से, राधा कृष्ण किचन के आईडी से। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।